सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। तेलंगाना में बीजेपी के माइनॉरिटी नेता ने मस्जिद में दान किया कूलर, जनता ने उठाकर फेंका बाहर। देश भर में कोरोना के 1054 नए मामले, 29 लोगों की हुई मौत, 1258 हुए डिस्चार्ज। कश्मीर घाटी में फिर सताने लगा कोरोना का डर, श्रीनगर में एनआईटी के 24 छात्र मिले कोविड पॉजिटिव। राजा बराड़ बनाए गए पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, कई लोगों को मिली नई जिम्मेदारी। अमित शाह ने नड्डाबेट में यू पॉइंट का किया उद्घाटन, देश जानेगा जवानों की कहानियां। संकट में भारत ने निभाई दोस्ती, क्रेडिट लाइन के तौर पर श्रीलंका को पहुंचाई डीजल पेट्रोल की बड़ी खेप। लश्करे तैयबा से जुड़े आतंकियों के 2 मददगार हुए गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। मायावती की गठबंधन में नहीं थी कोई रुचि, राहुल गांधी के प्रस्ताव पर नहीं दिया था जवाब। आरएसएस की चिंतन बैठक के 5वें दिन नई शिक्षा नीति पर हुआ विचार। यूपी विधान परिषद का चुनाव हुआ संपन्न, 98.11% हुई वोटिंग, मतदान के पहले ही 9 सीटों पर जीती बीजेपी। दिल्ली में अप्रैल की प्रचंड गर्मी ने तोड़ा 72 साल का रिकॉर्ड, आईएमडी का अलर्ट हुआ जारी। यूजीसी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, 2 दिन में तीसरे बड़े अकाउंट को लगाई गई सेंध। सीमा पर मदरसों की संख्या और बिगड़ते जनसंख्या संतुलन से बड़ी चिंता, मदरसों की बढ़ती संख्या से खुफिया एजेंसियां चौंकना। आज से सभी वयस्कों को लगेगा सतर्कता डोज, चुकाने होंगे ₹375 सीरम और भारत बायोटेक ने घटाई कीमतें। कश्मीर में सीआरपीएफ के प्रयासों से उमड़ रहे हैं पर्यटक, शौर्य दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह सचिव ने की सराहना। यूपी में 10% से ज्यादा बढ़ेगी प्राइवेट स्कूलों की फीस, सरकार ने शुल्क बढ़ोतरी पर लगी रोक हटाई। भव्यता से मनेगा रामनवमी का पर्व, अयोध्या से श्रीराम जन्मभूमि के जन्मोत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। राहुल गांधी ने बोला, हमने बसपा के सामने रखा था गठबंधन का प्रस्ताव, सीबीआई और ईडी से डरी मायावती। लखनऊ पहुंचे चंपत राय की बड़ी घोषणा, कहा दिसंबर 2023 तक पूरा करेंगे राम मंदिर का निर्माण। महिला सिपाही संघ रंग रैलियां मनाना पड़ा,
दिल्ली सीएम योगी के आदेश पर फिर इंस्पेक्टर हो गए सीओ। चंदौली में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने शिवपाल यादव की तारीफ की, शिवपाल यादव अच्छे और जिम्मेदार नेता। रायबरेली में माफियाओं के खिलाफ एक्शन में पुलिस, अवैध शराब माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई। संभल में योगी सरकार पर बरसे सपा सांसद, यूपी में मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा इंसाफ। के प्राइवेट स्कूल में बढ़ेंगे फीस, सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना का एक्सी वेरिएंट पहुंचा गुजरात, मरीज मिलने से राज्य में हड़कंप। देशभर में आज रामनवमी की धूम, राष्ट्रपति पीएम ने दी बधाई। अलीगढ़ में दो पक्षों का विवाद बना, मौत की वजह बुजुर्ग किसान की मौत पर ग्रामीणों का हंगामा। बदायूं में सवाल पूछना पड़ा पत्रकार को भारी, नायब तहसीलदार की पत्रकारों को धमकी। मऊ में भाई ने चचेरी बहन की गला रेत कर की हत्या, बोरे में भरकर नदी किनारे जलाया शव। गाजीपुर में एमएलसी चुनाव हुआ सकुशल संपन्न, गाजीपुर में 98.88% हुआ मतदान। अखिलेश यादव ने ट्वीट को डीएम ने बताया निराधार। गाजियाबाद में सिद्धी पीठ माता मंदिर के भक्तों की भीड़, चुनरी और प्रसाद चढ़ाकर लिया माता का आशीर्वाद। शिवपाल ने ट्विटर पर लिखा है, हम तैयार हैं राजनीतिक गलियारों में सनसनी। नवजोत सिंह सिद्धू को झटका, कांग्रेस ने नेता राजा बरार को बनाया पंजाब का नया अध्यक्ष। अजमेर में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस अलर्ट, दरगाह के आसपास ड्रोन से निगरानी। गुजरात में सोशल मीडिया पर हिंदी का पेपर वायरल, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई तेज। पुलिस चौकी के अंदर डंडे और बेल्ट से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र को बुरी तरह पीटा, दो दरोगा हुए निलंबित। गोरखनाथ मंदिर हमला में मुर्तजा के चाचा खालिद अब्बासी को एटीएस ने भेजा नोटिस, आरोपी के मां बाप से लखनऊ में जारी है पूछताछ। महंत बजरंग मुनि ने खुलेआम मुस्लिम महिलाओं को दी बलात्कार की धमकी, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ के लोगों को छुट्टा, जानवरों से मिलेगी निजात, बनेंगे संरक्षण केंद्र। कैंडिडेट्स ने निकाली रैली, प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, गौरी ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
महिला के घर का कनेक्शन काटा तो भड़के बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी। इंजीनियर को पीटा, दी देख लेने की धमकी। सामूहिक नकल मामले में सालवर गैंग का मास्टरमाइंड शिक्षक गिरफ्तार। एग्जाम में सेंधमारी के लिए बना था परीक्षा प्रभारी। तहसील रोड पर पलटा गन्ने से भरा ट्रक, बड़ा हादसा टला। रामनवमी पर हुआ हवन और कन्या पूजन, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। इलाहाबाद एचसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की आज से फिर होगी शुरू सुनवाई। चढ़ता पारा, ग्लेशियर के पिघलने और वनों की आग को लेकर हाई अलर्ट। माँ शक्तिदात्री की पूजा के साथ मनाया जा रहा भगवान राम का जन्मोत्सव। भक्तों के लिए ये मुहूर्त बेहद शुभ। फॉरेस्ट फायर को लेकर हाई अलर्ट, भीषण आग से जंगल हो रहे खाक। एसडीआरएफ से मांगा सहयोग। तूफान उठने के बाद चक्राता के जंगल में लगी भीषण आग, रात को दिखा भयावह मंजर। दूसरी डोज को 9 माह हुए तो आज से ले एहतियाती खुराक, प्रति डोज देना होगा इतना चार्ज। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए शंकर सिंह कर रहे पदयात्रा, मुख्यमंत्री धामिनी की सराहना, किया सम्मान। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने स्वीकारा चुनावी गुटबाजी से उत्तराखंड में पार्टी हारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तराखंड पर्यटन और अतिथि सम्मेलन का शुभारंभ, कहा चारधाम यात्रा में आएंगे रिकॉर्ड भक्त। उत्तराखंड से लगे नेपाल की सीमा पर तेजी से हो रहा डेमोग्राफिक चेंज, सुरक्षा एजेंसियों ने बताया देश के लिए खतरा। केदारनाथ की जिस गुफा में पीएम मोदी ने लगाया था ध्यान, उसका किराया हुआ 2 गुना, मई जून की बुकिंग फुल। हरियाली देवी की यात्रा में सिर्फ पुरुष ही लेते हैं भाग, देवकी माता और वासुदेव से जुड़ी है कहानी। उत्तराखंड में तेज कनेक्टिविटी के लिए रोपवे परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की चुनौती, फूंक फूंक कर बढ़ाने होंगे कदम। काटने पड़ेंगे परिवहन विभाग के चक्कर, अब लर्निंग व डुप्लीकेट लाइसेंस समेत 16 सेवाएं होंगी ऑनलाइन। प्राथमिक विद्यालय में चल रहे 4,705 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल को चाहिए 47 करोड़। ताइवान के डिफेंस जोन में फिर घुसे 4 चीनी सैन्य विमान, अप्रैल में 7वीं बार की घुसपैठ।
पाकिस्तान के नाकाम प्रधानमंत्रियों की फेहरिस्त में जुड़ गया इमरान खान का भी नाम। वोटिंग ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन में हारने वाले पाकिस्तान में पहले पीएम बने इमरान खान। एंटोनियो गुटेरेस ने कोरोना महामारी को लेकर दी चेतावनी, कहा विश्व में रोज 15 लाख केस मिल रहे, यूरोप में कहर बरपा रही है नई लहर। अविश्वास मत पर जीत के बाद शहबाज शरीफ का इमरान को सीधा संदेश, कहा बदला नहीं लेंगे लेकिन कानून अपना काम करेगा। अमेरिकी महिला सांसद ने मोदी सरकार को बताया अल्पसंख्यक विरोधी, उठाए सवाल। रूस को यूएनएचआरसी से निकाले के लिए यूएनजीए में आज वोटिंग। युद्ध की कगार पर पहुंचा श्रीलंका, खाने पीने के सामानों को लेकर मारामारी। बिलावल भुट्टो ने इमरान पर वोटिंग में देरी कर सैन्य हस्तक्षेप का आरोप लगाया। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रों के सामने कड़ी चुनौती। रूस के साथ रुपया रूबल ट्रेंड प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है भारत, आरबीआई ने दिया जवाब। टैक्स और खर्च को लेकर चिदंबरम के आरोप पर सरकारी सूत्रों ने दी जानकारी, बताया 8 साल में सरकार ने किया खर्च। आरबीआई अगस्त से नीतिगत ब्याज दरों में कर सकता है बढ़ोतरी, विशेषज्ञों ने जताया अनुमान। कनाडा वाले भी खाएंगे भारतीय केला और बेबी कॉर्न, निर्यात का रास्ता खुला। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में अब तक की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट आई। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों में लगातार चौथे दिन राहत, नहीं बढ़े दाम। सरसों का तेल हुआ सस्ता, जल्दी कीजिए फिर नहीं मिलेगा। अभी और बढ़ेंगे सीमेंट के दाम, घर बनाना होगा महंगा। बीस लाख रोजगार के लिए दिल्ली में बाजारों का विकास, शॉपिंग फेस्टिवल, फूड हब, स्टार्टअप और नई फिल्म पॉलिसी। वर्ष 22 में कर संग्रह 27 लाख करोड़ के पार, प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49% का उछाल, अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 20% की तेजी। मुंबई इंडियंस नहीं खोल सकी जीत का खाता, आरसीबी ने हराया। माई के डूब गए 15 करोड़ 25 लाख, टीम को नहीं जुटा पा रहा खिलाड़ी।
मेहमान को धोखा दे गया दिग्गज खिलाड़ी, ले लिया संन्यास। सचिन तेंदुलकर से मुलाकात के बाद विराट कोहली ने दी प्रतिक्रिया, मुंबई के खिलाफ जीत के बाद मिले थे दोनों। चौथी हार के बाद रोहित ने की बल्लेबाज की तारीफ, कहा सामूहिक प्रयास करने की जरूरत। राजस्थान के जोस बटलर का ऑरेंज कैप पर कब्जा, दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल ने बनाई जगह। हैदराबाद की पहली जीत से अंक तालिका में हुआ बदलाव, केकेआर ने 3 जीत के साथ 6 अंक हासिल कर पहला स्थान किया हासिल। पहली जीत के बाद कप्तान विलियमसन ने कहा हम सुधार करना चाहते हैं। बैंगलोर ने मुंबई को 7 विकेट से हराकर दर्ज की तीसरी जीत। क्रिस सिल्वरवुड बने श्रीलंका के नए हेड कोच, अपनी कोचिंग में इंग्लैंड को जिताया था वर्ल्ड कप। माइक स्टोरी जाने बिना साक्षी तंवर ने किए थे 2 मुश्किल सीन, इस तरह निर्देशक ने एक्ट्रेस का बनाया वेब सीरीज की हीरोइन। आशा टाकिया के पति ने गोवा एयरपोर्ट पर बदतमीजी का लगाया आरोप, अथॉरिटी से मिला जवाब। शर्मा ने क्रॉप टॉप और शॉर्ट ड्रेस पहन दिया पोज, कहा प्यार में नहीं कि पढ़ने का कर रही हूं प्रयास। नीतू कपूर ने आलिया रणबीर की शादी को लेकर किया खुलासा, जल्द हो जाए शादी। और जानवी कपूर ने लखनऊ में शुरू की फिल्म बवाल की शूटिंग, साझा की मुहूर्त शॉट की झलक। रामनवमी पर आदि पुरुष के निर्देशक ने सोशल मीडिया पर शेयर किया खास वीडियो, राम के किरदार में दिखे बाहुबली। रणबीर की दुल्हनिया आलिया पहनेंगी सव्यसाची, द्वारा डिजाइन किया गया ब्राइडल लहंगा। अमिताभ बच्चन ने अजय देवगन को बताया रूल तोड़ने वाला एक्टर, ने बिग बी को दिया धांसू जवाब। से कभी शादी नहीं करना चाहती थी जेडा, दबाव में लिया था फैसला। गुरमीत चौधरी ने पहली बार बेटी का वीडियो किया शेयर, फैंस ने लुटाया प्यार। देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।